दोस्तों, ब्रिटिश और बेल्जियम मूल की जारा रदरफोर्ड ने इतिहास रच दिया है। 19 साल की जारा पूरी दुनिया को अपने छोटे से विमान के जरिए कवर करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। गुरुवार को जारा जब अपने माइक्रो लाइफ प्लेन से बेल्जियम के कोटरिज्क एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्होंने 5 महीने में 5 महाद्वीपों की यात्रा पूरी कर ली। इस रिकॉर्ड के दौरान जारा ने 51,000 किलोमीटर का सफर करीब 52 देशों के ऊपर से तय किया। आपको बता दें कि जारा पिछले 18 अगस्त को दुनिया के सबसे तेज माइक्रो लाइफ प्लेन से रवाना हुई थी। जारा जब बेल्जियम में उतरी तो वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। वहीं बेहद खुश नजर आ रही जारा ने कहा, यह एक पागलपन भरा सफर था। उनकी सबसे यादगार यात्रा न्यूयॉर्क और उसके बाद आयरिश में एक सक्रिय ज्वालामुखी की रही। इस दौरान उन्हें डर भी लगा कि कहीं जिंदगी खत्म न हो जाए। यह डर उन्हें साइबेरिया के जमे हुए इलाके और उत्तर कोरिया के हवाई स्पेस से निकलने के संकरे रास्ते के दौरान भी लगा। जारा ने कहा, उत्तर कोरिया मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था और उसने कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए जारा को दुनिया के 2 बिल्कुल विपरीत हिस्सों को चुनना था। इसके तहत वह इंडोनेशिया के जाम्बी और कोलंबिया के टुमाको में उतरी। जारा ने इस विमान के जरिए अफगानिस्तान में जन्मी अमेरिकी नागरिक साइस्ता वैंस का रिकॉर्ड तोड़ा है। साइस्ता ने साल 2017 में 30 साल की उम्र में अकेले यात्रा करके यह रिकॉर्ड कायम किया था। इसके साथ आपको बताते चलें कि इस यात्रा के दौरान जारा ने जमकर गाने सुने और पूरी यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि बेल्जियम से पहले उन्हें जर्मनी में उतरना था, जो बहुत बारिश और बर्फ की वजह से मुश्किल था। हालांकि बेल्जियम वायुसेना की एरोबेटिक्स टीम ने उनकी इसमें मदद की और यह यात्रा भी संपन्न हुई। आपको बता दें कि जारा मात्र 14 साल की उम्र से पायलट की ट्रेनिंग ले रही है। उन्हें साल 2020 में पायलट का लाइसेंस मिला था। वह एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती है और उन्हें आशा है कि उनका यह रिकॉर्ड अन्य महिलाओं को विज्ञान, तकनीक और हवाई क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। इस थका देने वाली यात्रा के बाद जारा ने कहा, वह अब अपने परिवार के साथ समय बिताएगी और बिल्लियों को देख पाएगी। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।